नमस्कार, मैं हूं बबली सिंह और आप देख रहे हैं किनी टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दक्षिणी दिल्ली अंबेडकर नगर पुलिस टीम ने 2 लाख की लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 1,80,000 की नकदी व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान कुणाल उर्फ भोला, तरुण उर्फ विकास, रवि उर्फ कपिल के रूप में की गई है। आपको बता दें कि तीनों आरोपियों पर पहले से ही कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। 2 अपराधियों को हिमाचल से व 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, किन्नी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।